नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर में भी अब योगी बाबा के बुलडोजर का असर दिखना शुरू हो गया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर हत्या आरोपी द्वारा किए गए ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को ध्वस्त कराया। 26 मार्च को दिन दहाड़े राशन डीलर की गोली मारकर आरोपी द्वारा हत्या की गई थी। पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया है। दरअसल थाना शहर कोतवाली इलाके के सोहाहेड़ी गाँव में बीती 26 मार्च को राशन डीलर देवेंद्र की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी मच गई थी। राशन डीलर देवेंद्र हत्याकांड के मुख्य आरोपी राम बहादुर सहित 5 आरोपी जेल जा चुके हैं। हत्या आरोपियों ने ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर अपना कब्जा कर रखा था और उसके ऊपर घेर बना दिया था। राशन डीलर के हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन ने हत्या आरोपियों पर गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई करते हुए कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया था। तभी से पुलिस प्रशासन ने हत्या आरोपियों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी थी। इसी कड़ी में सदर तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि हत्या आरोपी राम बहादुर ने ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके घेर बना लिया था, जिसके चलते आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विक्रमादित्य मलिक और सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता ने तहसील बिजनौर की टीम के साथ सोहाहेड़ी गांव जाकर उक्त भूमि पर बुलडोजर चलवाकर कब्जा मुक्त कराया। राम बहादुर के घर पर योगी बाबा का बुलडोजर चल गया है। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले के अन्य अपराधियों में भी खौफ का माहौल पैदा हो गया है। देखिए बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की रिपोर्ट। विगत दिनों कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम सोहाहेड़ी में लकड़ी के पाड़े को लेकर जो हत्या की वारदात हुई थी, उसमें नामित अभियुक्त राम बहादुर ने ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। आज प्रशासन के सहयोग से उस कब्जे को हटाया गया, उसको बुलडोजर चलाया गया, कब्जा मुक्त करा ली गई जो सरकारी जमीन उन्होंने कब्जा की हुई थी। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।